स्वागत है। और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि आप बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर यू आर नॉट टर्निंग इनटू ए बिग बॉलीवुड प्रोड्यूसर। एक वेब सीरीज आप लेकर आ रहे हैं, हम सुने हैं। हम चाहते हैं कि आप प्लीज उसके बारे में बताइए, वो वेब सीरीज कौन है, कैसी है, उसका नाम क्या है और उसमें स्टार कास्ट कौन कौन से? मैं वेब सीरीज ला रहा हूँ, सबसे पहले तो मीडिया को हैप्पी दिवाली। और मैं वेब सीरीज ला रहा हूँ ये तो गलत है, जिसका टाइटल है ये तो गलत है। इसके लेखक है तनुज महाशब्दे। तनुज महाशब्दे के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अय्यर भाई, उन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है। और इसको दिनेश सोई जी है जो कास्टिंग डायरेक्टर थे पहले और अब डायरेक्शन में आ गए। टॉप 10 बिजीएस में से टॉप 3 दिनेश सोई जी है, वो इसको डायरेक्ट करें। हमने उनको अप्रोच किया तो वो उन्होंने स्टोरी सुनी और स्टोरी देखी तो बोले बहुत बढ़िया है, वो हमने उनको फाइनल किया है। और लेखक तो आपको पता ही है, बहुत बड़े फेमस है। और इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं और मादानी फाइनेंस और मोलेट म्यूजिक इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मोलेट म्यूजिक सूर्या भाई, अभी काफ़ी एक एल्बम आई थी जख्म काफ़ी है, जिसमें अल्तमस फरीदी जी ने गाना गाया था, वही कंपनी के मालिक है सूर्या भाई। और हम दोनों मिलकर ये वेब सीरीज ला रहे हैं। तो निकेश जी, आपका ये जो जैसे वेब सीरीज है बहुत बड़ा नजर आ रहा है, इसके स्टार कास्ट के बारे में अगर आप बता सके, ये तो गलत है, कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे? कुछ अभी स्टार कास्ट के लिए हम लोग ने फाइनल नहीं किया है। अच्छा। लेकिन अभी हम लोग ने इसके ऑडिशन के क्लिप के लिए सपोज जगह भेजा है, इसमें काफ़ी कैरेक्टर है और इसमें नए लोगों को मौका ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग, जो नए नए टैलेंट और नए नए लोगों को मौका ज़्यादा दे रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। इसमें बड़े लोगों का भी है, छोटे लोगों का भी है, बच्चों का भी है, 25-30 एज के बीच का भी है। हम नए नए लोगों को मौका दे रहे हैं, नए टैलेंटों को मौका दे रहे हैं। निकेश जी, बींग ए प्रोड्यूसर, हमने कई बार देखा है कि वो प्रोड्यूसर भी रहते हैं और कहीं ना कहीं वेब सीरीज में भी कहीं कुछ रोल में भी वो नजर आते हैं, तो क्या एक्टिंग भी सोच रहे हैं आप इस वेब सीरीज में? अगर मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जरूर करना तो चाहूँगा, लेकिन मैं प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ, जहाँ तक हो तो प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ मैं। जी, आखिर में सवाल है कि दिनेश सोई के साथ आप जैसे ये कर रहे हैं, ये कब फ्लोर पे जाने वाली है, प्री प्रोडक्शन कब स्टार्ट होने वाला है और जनता को कब कहाँ देखने को मिलेगी? ये हम लोग ने काफ़ी चैनल में अप्रोच किया और हमको अप्रूवल भी मिल चुका है और ये नवंबर इसी मंथ में हम इसको फ्लोर पे ले रहे हैं और दिसंबर तक इसका शूट कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और अंदर से कभी आवाज़ आई कि मेरे को अब हमें इस क्षेत्र में जाना है, बिकॉज ये एक अलग है फिल्म लाइन, आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग है, तो ये दिमाग में कैसे आया कि आपको अब प्रोड्यूसर बनना है वेब सीरीज का? नहीं, मैं खानदानी भी फाइनेंसर भी हूँ तो इस बार सोचा कि प्रोड्यूसर भी बन जाऊँ, पर मैं ज़्यादातर होता है, मैंने कई जगह किया है काम और म्यूजिक एल्बम भी काफ़ी किए हैं, जैसे आपने देखा होगा लास्ट में ओ मेरी हमदम थी। मैं प्रोड्यूसर में नाम कम ही डालता हूँ, सपोर्टिंग में नाम ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, पर इस बार को लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर में, तो मैं प्रोड्यूसर में भी आ गया, तो मेरे को लगा कि चलो प्रोड्यूसर में आना चाहिए, कि मैं ही फाइनेंस कर रहा हूँ और मैं ही कर रहा हूँ तो प्रोड्यूसर फाइनेंसर एक ही हुआ मेरे हिसाब से, इसके लिए मैं मेरा नाम प्रोड्यूसर में डाल रहा हूँ इस बार। जी, आखिर में ये वेब सीरीज जैसे आपने कहा बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपने बात की है, कब तक ये रिलीज होने के चांसेस है अगर आप बता सके? हम लोग को चैनल से बात हुई है, हम लोग को शूट कंप्लीट करने का, हम लोग सोच रहे दिसंबर तक शूट कंप्लीट हो जाए, इसकी एडिटिंग वगैरह हो जाए, तो आपको 2025 में ये देखने को जरूर मिलेगी। कोई हिंट दे सकते हैं कौन से कलाकार है, क्योंकि आपने ऑफकोर्स एकदम अभी तक वेट में रखा, कुछ बता नहीं रहे आप, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बड़े एक्टर्स या एक्ट्रेसेस? हाँ है, इसमें कुछ बड़े एक्टर्स भी है और लेखक तो आप जानते ही हो, वो बहुत बड़े हैं, बच्चा बच्चा देखते हैं उनको, उनके वजह से हंसते हैं, तो ऐसे हैं 2-3 बड़े कलाकार, वक्त आने पर वो भी आप मीडिया को माध्यम से पता चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।